सो हाई एवरी वन वेलकम दिस इज़ ओ टू आई एस एकेडमी एंड मैं हूँ कृतिका और हम लोग यहाँ पर ईयर एंड रिव्यू कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स का यानी कि 2022 में जितने भी न्यूज़ रहे हैं आपके चाहे वो आर्ट एंड कल्चर से एग्रीकल्चर से किसी भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड उनको हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं हिमाचल में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम में ये आपको हेल्प करेगा ठीक है तो ये एक ही डॉक बना हुआ है इसको आप देख सकते हैं और इसको मैं पार्ट्स में कवर कर रही हूँ आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज़ अवार्ड्स रैंक्स एंड इंडेक्स यानी कि कोई भी सर्वे आया कोई भी रिपोर्ट आई इंडेक्स आया उसमें हिमाचल का रैंक क्या है कोई अवार्ड मिला है कौन ये जो इंडेक्स है ये निकालते हैं ये बेसिक चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे सिंस यूर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग टू जीएस एस में आप इसको पढ़ते ही हैं लेकिन हिमाचल के परस्पेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखने वाले हैं ठीक है थीके? इन लेक्चर्स के पीडीएफ आपको मिलेंगे हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे तो एक ही पीडीएफ ये है इसको आप अपनी रिवीजन के लिए बाद में भी यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक uh, दिया गया है वहाँ से आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पर एक कोर्स मिलेगा एच एस की जो टेस्ट सीरीज है इसमें फ्री रिसोर्सेज का एक फोल्डर रहेगा उसमें से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो वहाँ पर और भी चीज़ें अवेलेबल हैं सो डू चेक इट आउट कि आपकी प्रिपरेशन के लिए वहाँ पर क्या चीज़ हेल्प कर सकती है तो राइट right, इससे पहले हमने आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी ये सब कर लिया है आज हम देख रहे हैं अवार्ड्स रैंक्स एंड इंडेक्स तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ पर बेसिक देखने वाले हैं क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं सिंस एच का पैटर्न ऐसा है बड़े बड़े हमें स्टेटमेंट्स देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले इंडेक्स है कोई तो कौन उसको पब्लिश करता है हिमाचल का क्या रैंक है स्पेसिफिक कोई डिस्ट्रिक्ट है अगर मेंशन किया गया है वो क्या है और अगर स्कोर है वहाँ पर कोई कैटेगरी में आता है तो वो कैटेगरी का हम लोग को पता होना चाहिए अगेन कुछ वेग स्टेटमेंट्स हैं जैसे कि अगर प्रिलिम्स की आप तैयारी कर रहे हैं कि उसके इंडिकेटर्स क्या क्या रहते हैं उसके ऊपर पूछा जा सकता है कौन से बाय द ईयर कब तक हमें कोई गोल अचीव करना है उसके ऊपर पूछा जा सकता है मेंस के लिए आपको बेसिकली अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि क्या हम लोग करना यहाँ पर अचीव क्या करना चाहते हैं गोल्स क्या हैं हमारे ठीक है जी तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली न्यूज़ के साथ में पहली थी जी के आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन इंडेक्स आया नीति आयोग ने निकाला और उसमें टॉप रैंक आया है शिमला का तो 2015 की ये बात है जब ही बात की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की यानी कि कुछ सेट ऑफ़ गोल्स रखे गए कि इनको हम बाय 2030 थर्टी यहाँ पर अचीव करेंगे ज़ीरो हंगर देन आपका नो पॉवर्टी इस तरीके से इसको जो मॉनिटर करने के लिए टाइम टू टाइम कुछ इंडिकेटर्स रखे जाते हैं कि इनसे हम देखेंगे कि किस हद तक ये गोल्स जो हैं वो अचीव हो रहे हैं तो वही ये इंडेक्स बात करता है कि जीरो से लेके हंड्रेड तक इसमें स्कोर किया जाता है जीरो बिंग आपने कोई भी अभी तक जो आपका ये आपके गोल्स हैं इनको अचीव नहीं कर पाए हैं और हंड्रेड बिंग सारे के सारे अचीव है सो so इसमें टॉप किया शिमला ने जो कि स्कोर था सेवेंटी अगेन हिमाचल भी इसमें कैटेगरी में फॉल करता है इसमें रहती है आपकी अचीवर हो गया फ्रंट रनर है परफॉर्मर है तो हिमाचल जो है आपका फ्रंट रनर कैटेगरी में यहाँ पर आता है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है जी नेशनल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट ये नीति आयोग अगेन यहां पर निकालता है और हिमाचल प्रदेश का इसमें ट्वेंटी थर्ड रैंक है तो ये किस चीज के बारे में बात करता है मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स तो जैसे पॉवर्टी है पहला गोल है हमारा नो no पॉवर्टी उसमें जो पॉवर्टी है उसके बहुत सारे लेयर्स होते हैं बहुत सारी डाइमेंशंस होती हैं यानी कि अगर आप सिर्फ अपना पेट दो वक्त की रोटी जो है वो खा सकते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप पुअर काउंट नहीं होंगे है ना तो उसमें बहुत सारे अगेन uh, हमें इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं डायमेंशनस हैं जैसे हेल्थ है एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपके घर पे टीवी है फ्रिज है बेसिक कम्यूनिटीज जो हैं ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस है क्या आप एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं हेल्थ के बारे में बेसिक जो है चीज़ें uh, जो हैं वो यहाँ पर हैं न्यूट्रिशन चाइल्ड एंड एडोल्स इन इस तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं तो इसमें भी जो चंबा है उसका हेडकाउंट हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा है दैट इज़ लाइक क्वाइट इनफ नेक्स्ट आ गया हेल्थ इंडेक्स ऑफ 2021 इसमें हिमाचल का जो प्लेस है पोजीशन है वो स्लिप किया है बाय वन पोजीशन तो कभी कभी एच इस तरीके के स्टेटमेंट भी डाल देता है डायरेक्ट पूछ लेगा कि इन हेल्थ इंडेक्स ऑफ 2021 थाउजेंड ट्वेंटी हिमाचल जो है इट इट्सलिप्स इट स्लिप्ड या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि वो ज़्यादा हो गया सिक्स से लेकर सेवन्थ हो गया तो फिर आ जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है वन टू थ्री टू थ्री वन इस तरीके से तो याद रखना है ये नीति आयोग वर्ल्ड बैंक और हेल्थ मिनिस्ट्री मिलकर निकालते हैं और इसमें आता है हिमाचल अचीवर्स कैटेगरी में तो इन्होंने यहाँ पर इम्प्रूव नहीं किया है पहले सिक्स प्लेस पर था अभी जो है ये सेवन्थ प्लेस पर यहाँ पर चला गया है हेल्थ इंडेक्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये क्या बात करता होगा ये वही हेल्थ पैरामीटर्स न्यूट्रिशन ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रैक करता है और यहाँ पर कि सेंटर और स्टेट सिंस जो आपका हेल्थ है वो सेंटर और स्टेट दोनों को मिलजुल के साझा ही देखना पड़ता है ये उसके लिए एक जो लेवरेज है वो यहाँ पर डेवलप करता है फिर आ गया नेक्स्ट हमारा एस्पिरेशनल चंबा हैज अचीव्ड 100 परसेंट टारगेट्स अंडर जल जीवन मिशन यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ठीक है पहला आ गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हम लोग इसको बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है और जल जीवन मिशन के बारे में पता होना चाहिए तो शुरुआत हुई ऐसे कि देखा गया कि हमारे कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको हमें अचीव करना है डिस्ट्रिक्ट जो हैं अपनी अपनी स्पीड से चल रहे थे ऑल ओवर इंडिया देखा गया कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो हैं वो अच्छी नहीं है बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है हेल्थ हो गया आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन एटलीस्ट सबके बैंक खाते तो खुले हुए हों इस तरीके के इंडिकेटर्स uh, को लिया गया कि ये बहुत पीछे हैं अभी नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट यहाँ हैं वो यहाँ हैं तो ये कुछ डेढ़ सौ डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर रखा गया कि ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्स हैं और इनके ऊपर प्रोग्राम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया गया कि इनको ये जो बाकी के डिस्ट्रिक्ट हैं इनके लेवल तक लेके आना है तो इनको जो है थोड़ा ज़्यादा इनके ऊपर डेवलपमेंट में काम किया जाएगा इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा तो उसमें आपका हिमाचल में आया एस्पिरेशनल चंबा चंबा का डिस्ट्रिक्ट क्योंकि वहां पर अभी इतनी डेवलपमेंट हुई नहीं है स्पेसिफिकली जब आपके इलेक्शन हुए थे तब तो आपने ज़्यादा सुना होगा तो इसने अपना ये फिफ्थ ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जिसने जल जीवन मिशन का जो टारगेट है ये पूरा कर तो तो ये हो गया आपका फिर आ गया जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन बात करता है कि 2024 तक हर एक घर में जल होना चाहिए बेसिक इम्यूनिटी है कि 55 फाइव लीटर्स पर पर्सन पर डे हर घर में आना चाहिए क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी होती है और हिमाचल इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी 2021 वाला पेपर जो 22 में हुआ एच का उसमें भी पूछा गया था एक पूरा क्वेश्चन था कितने गोल्स जो है वो डेवलप किए हैं कौन सा इनमें से स्टेटमेंट जो है सही है राइट right? ये आपके पढ़ने के लिए इसको आपने पढ़ लेना एक बार जाने से पहले फिर आ गया नेक्स्ट एनजीओ गेट्स अवार्ड फॉर थेरेपी वैन तो uh, कुल्लू बेस्ड एक एनजीओ है जिसका नाम है साम्फिया फाउंडेशन साम्फिया का मतलब होता है एबिलिटी ये किस लिए काम करते हैं ये काम करते हैं स्पेशली एबल्ड बच्चे जो कि दिव्यांग हैं ऑटिस्टिक होते हैं डाउन सिंड्रोम होता है इनका लर्निंग प्रोसेस डिफरेंट होता है बेसिकली है ना जो 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 ट्रेडिशनल वे में पढ़ाई चल रही है फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास ये वैसा नहीं होता है इनके लर्निंग जो है वो डिफरेंट तरीके से होती है और अब हिमाचल इस तरीके का स्टेट भी नहीं है कि जो स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल्स हैं वो हर जगह एक्सेसिबल हो वैसे भी लाइक like, टोपोग्राफी से ही हम लोग देख सकते हैं नॉर्मल स्कूल्स भी दूर दूर होते हैं सो so, इसी के लिए ये जो वैन है ये इक्विप्ड है इस तरीके की चीज़ों से इंस्ट्रूमेंट से जहां पर बच्चा जो है इस जो ये स्पेशली बच्चे हैं ये आपके यहाँ पर उससे अपना प्रोग्रेस जो है डेवलपमेंट कर सकें तो इसी इनके इनिशिएटिव के लिए इनको क्या दिया गया एक इंटरनेशनल जीरो प्रोजेक्ट अवार्ड दिया गया है जो कि वियना ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर दिया गया अगेन याद रखना है कहाँ की ये है कुल्लू बेस्ड है फिर आगे हम आगे हिमाचल प्रदेश बेस्ट इन टीबी एरेडिकेशन तो बहुत साल पहले क्या हुआ देखा गया 2015 को बेस को बेसियर माना गया कि ट्यूबो जो है ऑल ओवर द ग्लोब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है उसमें अच्छा खासा शेयर यहाँ पर इंडिया का है विच इज़ ट्वेंटी परसेंट यानी कि 27 केसेस परसेंट जो हैं पूरे वर्ल्ड में वो इंडिया से आते हैं ट्यूबो के तो बेस ईयर माना गया कि 2015 रखेंगे और इसके बाद में इसको जो है ठीक करने की कोशिश करेंगे इम्प्रूवमेंट बाय 40 परसेंट ट्वेंटी परसेंट जितना भी हो सकता है उसी के लिए चला नेशनल ट्यूब कंट्रोल प्रोग्राम ये पहले कंट्रोल प्रोग्राम हुआ करता था अभी ये एलिमिनेशन प्रोग्राम बना है तो इसमें लोगों को अवेयर किया गया और उनके ये जो आपके ट्रीटमेंट होते हैं डॉट्स का आप सुनते हो उसके बारे में अमिताभ बच्चन जी ने स्वयं आके कहा कि इस तरीके से Uh, दो हफ्ते से ज्यादा खांसी टी बी भी हो सकती है सो so, इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर चलाए गए so, तो अगेन इसमें हिमाचल जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले चार साल में अगर देखा जाए तो हिमाचल के आठ डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिकली जो है दे हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड और टीबी के जो केसेस हैं वो वहाँ पर बिल्कुल कम हो गए हैं इनफैक्ट नेग्लिजिबल हमें देखने को मिलते हैं सो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन हियर और हिमाचल टी में काम कर रहा है क्या क्या पता होना चाहिए ट्यूबो जो है बैक्टीरिया से होती है दैट इज़ माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबो इसका अफेक्ट कहाँ पर करता है तो दैट विल बी योर लंग्स एंड हम लोग सुनते हैं कि खांसी है दो हफ्ते से ज़्यादा खांसी है ना सो so, इस तरीके से ये जो आपका लंग्स है या ब्रीदिंग प्रोसेस है इसमें इंटरफेयर करता है ट्रीटमेंट इसका दो फेजेस में होता है पहला फेज जो है वो दो महीने का होता है जिसको हम इंटेंसिव फेज कहते हैं और चौथा जो है वो कॉन्टीन्यूस फेज होता है तो आपने अक्सर सुना होगा कि डॉट्स का जो ये प्रोग्राम था या हमारा ट्रीटमेंट था इसको कभी भी आधा नहीं छोड़ना चाहिए इसके क्या रीजंस हैं तो इसमें क्या है आपका लाइन ऑफ़ ड्रग्स रहता है फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स जब फर्स्ट लाइन ऑफ़ ड्रग्स आपने कंज्यूम कर लिया तो और आपने उसके बाद अपना प्रोग्राम छोड़ दिया तो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू गेट टी तो क्या होगा ये जो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स है दिस विल नॉट इम्पैक्ट यू या ये आपके ऊपर काम नहीं करेगा तो उसको हम बोलते हैं आ, ये आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आपने सुना होगा तो इसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं कि जो टीबी है वो उससे रेजिस्टेंस हो चुका है फिर सेकेंड जो है वो वहां पर किए जाते हैं इसी के लिए इसको पूरा करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है सो so, आगे आपका नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम 2030 तक हमने गोल रखा है पहले 2025 तक रखा था फिर उसको पांच साल जो है और आगे बढ़ाया गया टीबी केसेस को कम करना है एलिमिनेशन प्रोग्राम है और भी बहुत सारे हैं निक्शे पोषण प्रोग्राम है आपका टीवी आ, मुक्त भारत अभियान है सो बहुत सारे यहां पर प्रोग्राम चल रहे हैं नेक्स्ट आ गया सोलन की एमसी जो आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनको यहाँ पर फाइव स्टार रेटिंग दी गई फॉर गार्बेज फ्री सिटीज तो या ये आपके लिए कहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा स्वच्छ भारत मिशन का हम लोग मेंशन करते हैं और स्पेशली अर्बन लोकल बॉडीज़ की किस तरीके से वो वेस्ट हैंडल करती हैं यहाँ पर आप इसका मेजर जो है एग्ज़ाम्पल uh, भी लिख सकते हो कि जिस तरीके से शिमला वहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट कर रहा है और एम को भी करने की ज़रूरत है कांगड़ा ये जो ये वाला एरिया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कि बींग हिमालयन स्टेट वी नीड टू कंजर्व आर बायोडाइवर्सिटी जिसके लिए सबसे पहला जो चीज रहेगी वो आपकी वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करने की जरूरत है तो शिमला का मैं आप कर सकते हो नेक्स्ट आ गया हिमाचल टॉप इन दीनदयाल अंतोदय योजना दैट इज नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन अगेन इसमें आपका हिमाचल जो है टॉप रैंक किया है और ये आपकी जो रैंकिंग है ये दी है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स तो इसको जो है एक बार हल्का से देख लेना है ज्यादा कुछ नहीं है इसमें फिर आ गया हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट आदर्श ग्राम योजना इसमें पूरी कंट्री में पहला स्पॉट लिया है यहां पर हमीरपुर ने जो आपकी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने ये रिपोर्ट यहाँ पर दी आदर्श ग्राम योजना क्या है जैसे इसका नाम भी है आदर्श बनाना है यानी कि जो विलेजेस हैं उनको उनको हॉलिस्टिक तरीके से अप्रोच किया जा रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डेवलपमेंट किस तरीके से करनी है तो एम एल जो है वो अपना यहाँ पर विलेज को एक सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको मॉडल विलेज यहाँ पर बना सकते हैं उनको पैसा आता है अपना विलेज अपनी बीवी का विलेज या अपने हस्बैंड का विलेज जो है वो यहाँ पर उसको चूज नहीं करना है लाइक like स्पेसिफिक इसके वहाँ पर आए हैं कि कौन से विजेस को यहाँ पर आप जो हैं वो कर सकते हैं डेवलप कर सकते हो तो हमीरपुर जो है इसमें फर्स्ट प्लेस पर आया नेक्स्ट आ गया प्रेरणा स्त्रोत्र पुरस्कार दिया गया हारमेनी ऑफ पाइन्स को हारमनी ऑफ पाइंस नाम याद रखना है हिमाचल स्टेट पुलिस जो आपकी पुलिस है उनका ये ऑर्केस्ट्रा है 1996 से यहाँ पर ये चला आ रहा है अगेन कलर्स टीवी पे इनका एक प्रोग्राम भी आता था, था वहां पर भी इन्होंने परफॉर्म किया था तो अगेन नाम हारमनी ऑफ पाइन्स प्रेरणा स्त्रोत्र इनको मिला और पुलिस का यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा है सो so, नेक्स्ट आ गया सोलन बेस्ड एपीएमसी कॉन्फर नेशनल अवार्ड तो जो यहाँ पर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस है प्रधानमंत्री जी ने वो सोलन बेस्ड एक ए को दिया है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी तो यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो साथ में आए और उन्होंने ये मार्केटिंग कमेटी बनाई और फिर हम लोग क्या देखते हैं इन्होंने ई नाम का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर यहाँ पर यूज़ किया उसको इम्प्लीमेंट किया तो ई नाम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ई नाम है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट तो सिंस वी नो एवरीथिंग इज़ गेटिंग डिजिटाइज एग्रीकल्चर को भी उस जो टेक्नोलॉजी है उसका पार्ट होना पड़ेगा इसी के लिए बनाया गया है फॉर स्मूदर मार्केटिंग मार्केटिंग जो है जो अपना प्रोड्यूस बेचना चाहते हैं वो भी यहाँ पर अच्छे से जो है सारी सारी अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं फार्मर्स का हेल्प कर सकते हैं ट्रेडर्स बायर्स सब लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकिन अगेन इसका अकेले कोई फार्मर यूज़ नहीं करेगा इसी के लिए ए हो गए एच हो गए इनको यहाँ पर आने की जरूरत है और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत खूबसूरती से सोलन के ए ने किया नेक्स्ट है पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन इन 1.67 डेज एक ऐसा भी वक्ता जब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए सत्तर दिन लगा करते थे तो अभी इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड और ये 1.67 डेज में यहाँ पर हो जाता है और ये टॉप कंट्री में जो स्टेट्स Uh, इतनी जल्दी ये वेरिफिकेशन कर सकते हैं उस पर टॉप पे आता है नेक्स्ट है मंडी डिस्ट्रिक्ट अवार्डेड फॉर स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस जो है वो यहाँ पर मंडी डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है अगेन ऑन स्किल डेवलपमेंट फिर आ गया खेलो इंडिया हिमाचल प्रदेश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया खेलो इंडिया जो आपके टूर्नामेंट चल रहे थे पंचकुला में थे और वहाँ पर टोटल जो है छः मेडल्स यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के आए डायरेक्टली याद रखना है कि हाँ तीन सिल्वर है टू प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन है सो so इस तरीके से इसको खेलो इंडिया है सो so नेक्स्ट आ गया मंडी फीचर्स इन उत्तम कैटेगरी इन परफॉर्मेंस इंडेक्स तो जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है इन्होंने एक परफॉर्मेंस इंडेक्स दिया इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को देखा गया जैसे कि आपके चाइल्ड सेफ्टी प्रोटेक्शन बच्चे जो हैं वो वहाँ पर कितना सीख रहे हैं एलिमेंट्री मैथ्स कर सकते हैं कि नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है फैसिलिटीज़ जो हैं वो कितनी है ड्रिंकिंग वाटर ये वो और बच्चे जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं क्लास में इंटरैक्शन <coughs> है कि नहीं है है ना इन बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो <coughs> निकाला गया अब इसमें क्या हुआ कि मंडी जो है वो एक कैटेगरी में आया इसमें करीब करीब दस कैटेगरीज हैं वो हैं दक्ष हो गया उत्तम अति उत्तम प्रशेष्ठ है कंक्षी है इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरीज हैं उसमें मंडी आया उत्तम कैटेगरी में अगर ये वाला है जो इसको है यहाँ पर आ, स्कोर भी दिया गया है 600 में से इट इज़ 388 बाकी के जो डिस्ट्रिक्स हैं दे हैव नॉट बीन डूइंग वेल तो उनके ऊपर जो है काम करने की ज़रूरत है और ये परफॉर्मेंस इंडेक्स है एजुकेशन डिपार्टमेंट का ठीक है नेक्स्ट आ गया सात स्टेट है यहाँ पर जो कि टॉप अचीवर्स में आए हैं इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग तो यहाँ पर ये यह रैंकिंग दी गई और इसमें कैटेगरी थी हिमाचल आया अचीवर्स कैटेगरी में बस इतना सा याद रखना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यू ऑलरेडी नो कितने इजिली कोई कंपनी आना चाहती है कोई इन्वेस्टर आना चाहता है कितना ईजिली वो बिजनेस कर सकती है किसी भी स्टेट में इसके बेसिस के ऊपर जो है यहाँ पर रैंकिंग दी गई है हिमाचल अचीवर्स कैटेगरी में आया है नेक्स्ट आ गया जल सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड तो ये क्या है ये आपका एक पीएसयू है जो पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन के में यहाँ पर इन्वॉल्व है और इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिलते रहते हैं कोविड में इनको अवार्ड दिया गया स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड दिया गया देन इज ये जो आपका कोविड है इसमें इन्होंने बहुत सारा काम किया है तो उसके लिए भी तीन चार अवार्ड जो हैं दिए गए हैं इनके जो डायरेक्टर हैं उनको भी आ, कुछ अवार्ड यहाँ पर मिले तो ये अवार्ड इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट दे हैव बीन वर्किंग वेरी इन वन डायरेक्शन अदर देन पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन यानी कि कोविड में जो लोगों को यहाँ पर रीच कर पाए वो ये थे पखवाड़ा स्वच्छता पखवाड़ा बहुत सारे इस तरीके के ड्राइव इन्होंने चलाए जहाँ पर इस तरीके सफाई जो है वो की गई राइट नेक्स्ट आ गया है हिमाचल सेकेंड इन फूड सिक्योरिटी एक्ट इम्प्लीमेंटेशन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जिसका बेसिक uh, पॉइंट क्या है कि लोगों तक जो है बेयर मिनिमम जो है वो पहुंचना चाहिए उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छी है एंड इट हैज़ कम ऑन द सेकेंड रैंक यहाँ पर अगेन इसके बारे में जो है आप यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ भी सकते हो फिर आ गया मंडी बैग सिल्वर मेडल इंड ट्यूबो क्लॉसिस रेडिकेशन तो वो जो आपका टी बी एलिमिनेशन प्रोग्राम था उसमें हिमाचल जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है टॉप में रह रहा है पिछले चार साल से उसमें ये भी ऐड कर सकते हो कि मंडी जो है उसको भी सिल्वर मेडल मिला है स्पेसिफिकली टीबी के एरेडिकेशन के लिए ये क्वेश्चन वैसे ही आपके बीच में है क्योंकि करंट अफेयर्स आप टाइम से पढ़ ही रहे हो तो आईआईटी मंडी जो है वो कौन कौन से एरिया में काम कर रहे हैं पहला है न्यू फोटो कैटलिस्ट कन्वर्ट्स प्लास्टिक टू हाइड्रोजन एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स फिर है टेक टू ओवरकम रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एंड देन इज बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स कौन सा ये है यू कैन डू टेल मी नेक्स्ट न्यूज आ गई हिम ऊर्जा गेट्स थ्री रनर अप अवार्ड्स तो हिमाचल प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम जितने भी चलाए जाते हैं उसकी नोडल एजेंसी है हिम ऊर्जा और बहुत जगह और भी स्टेट्स में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं हाइड्रो पावर नहीं सोलर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ये इंस्टॉल करते हैं हिमाचल में भी करते हैं क्योंकि हिमाचल का मेजर जो पोर्शन है एनर्जी का वो कहाँ से आ जाता है हाइड्रो पावर से तो सोलर के ऊपर उतनी डिपेंडेंसी नहीं है इसको धीरे धीरे यहाँ पर इंक्रीज़ किया जा रहा है जहाँ पर हिम ऊर्जा अच्छा काम कर रहा है और इसी के लिए उनको अवार्ड भी यहाँ पर मिले कांगड़ा बेस्ट गवर्न डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश तो यहाँ पर ये छोटी सी न्यूज़ है विच वॉज़ अंडर डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2021 इसमें देखा गया कि हिमाचल में कांगड़ा सबसे ज़्यादा अच्छा वहाँ पर गवर्नेंस है वेर एज़ ऊना जो है उसने भी यहाँ पर जो अपना रैंक है वो इंक्रीज़ किया है सो so, जैसे ये वाला स्टेटमेंट है ये डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं दीज आर द स्टेटमेंट्स विच आर डायरेक्टली लाइक आस्ट के हाँ जी कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऊना जो है वो सिक्स सेवन्थ पे आया है इस तरीके के डायरेक्ट वहाँ पर पूछे जाते हैं सो so, लास्ट है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में बेसिकली डिफरेंट पैरामीटर्स हैं क्या क्या हैं वो तो वो हैं आपके बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं फाउंडेशन ऑफ वेलबिंग अपॉर्चुनिटी लाइक सोशल प्रोग्रेस जो है वो किस तरीके से हो सकती है इसके अलग पैरामीटर्स रखे गए हैं उसमें भी हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है टॉप पर है बेस्ट परफॉर्मिंग है हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ सो so, इस तरीके से हमें ये देखने को मिलता है और इतना सा काफ़ी इट्स मोर देन इनफ सो देट इज इट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम वैन वी विल कवर अन अदर कैटेगरी सो थैंक यू फॉर वॉचिंग